हेलो दोस्तों आज आपको ये बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ आईटीआई एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू दोस्तों सत्रह दो हज़ार चौबीस पच्चीस का एडमिशन ओपन हो चुका है छत्तीसगढ़ आईटीआई के का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं ये कैसे भरना है कैसे आपको अप्लाई करना है ये जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसका अंतिम तिथि कब है लिस्ट कब जारी होगा किस बेस में लिस्ट जारी होगा कितना लिस्ट जारी होगा इसमें शुल्क क्या है ये जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तों जैसे कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का जो फ्रॉम स्टार्टिंग है वो बाईस जून जून से स्टार्ट हो चुका है ठीक है आज तीसरा दिन है जैसे कि इसको जो अंतिम तिथि बोल रहे हैं ठीक है इसका जो एक दोस्तों आपको सबसे पहले आपको जिस कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं ठीक ब्राउजर ओपन करने के बाद वहाँ पर सर्च करेंगे सी जी आई टी आई डॉट सी जी स्टेट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ठीक है इसका लिंक वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं सी जी आई टी आई करके भी ठीक है आप इस तरह से जैसे कि डैशबोर्ड पर आप देख रहे हैं इसके बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रवेश विज्ञापन ठीक है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञापन मिल जाएगा जिसमें आपको पूरे पास दिया है छत्तीसगढ़ शासन के नियमों ठीक इसके जो लास्ट डेट है अंतिम तिथि जुलाई दो जुलाई 2024 तक निर्धारित है ठीक है मतलब जुलाई तक इसका है इसके बाद जैसे कि दोस्तों आपस आप आता है सूची जारी ठीक है कब सूची जारी होगा तो इसका जो प्रथम सूची सूची जारी होगा वो 10 जुलाई को होगा ठीक है जारी होगा वो जुलाई को होगा ठीक है तीसरा जो लिस्ट होगा वो 25 जुलाई को होगा ठीक है और चौथा लिस्ट जो जारी होगा एक अगस्त को होगा ठीक ये आप किस आधार पर लिस्ट जारी होगा तो दोस्तों ये दसवीं के मेरिट लिस्ट पर होता है जैसे कि आपका जो दसवीं में कितना परसेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर लिस्ट जारी होता है जैसे कि पंचानवे छियानवे संतानवे नब्बे से पंचानवे सौ के बीच में जिसका है तो पहला लिस्ट जारी होता है अस्सी से नब्बे के बीच में है उसका दूसरा लिस्ट जारी होता है जैसे कि साठ से सत्तर के बीच में है उसका लिस्ट तीसरा जारी होता है पचास से साठ के बीच में उसका लिस्ट अलग जारी होता है मतलब चार लिस्ट जारी होता है ठीक है अलग अलग ही सबसे जारी होता है इसमें आपको इस तरह से लिस्ट जारी होगा जिसमें आपका शुल्क है ठीक है जैसे कि जो आवेदन शुल्क होता है यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो आपको लिखा है इसमें एस टी का जो शुल्क है वो पचास रुपये है और जैसे कि दोस्तों यहाँ पास वर्ग जैसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ग इसका जो फीस है ओ का साठ रुपया ठीक है ठीके? तो ये आप यहाँ पास जो आवेदन शुल्क है ये आपको देना होगा ठीक है इसके बाद जैसे कि दोस्तों इसको फॉर्म कैसे भरना है आप यहाँ पास डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं ठीक है ठीके? इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो यहाँ पास लिखा है आधार कार्ड लगेगा आवेदक का मोबाइल नंबर ई मेल ठीक ये बहुत जरूरी है आधार कार्ड का कलर फोटो ठीक है सिग्नेचर और इसमें उसके बाद कक्षा दसवीं की अंक सूची ठीक है दसवीं के बेस के थ्रू ऐप आता है और जो कौशल विकास योजना के तहत ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करके आप यहाँ पर सर्च करेंगे सी जी आई टी आई या सी जी आई टी इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको टाइम टेबल भी एडमिशन का ऑप्शन दिया है आप देख सकते हैं ठीक है कब यहाँ पास कब सूची जारी होगा तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको आपस क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा ठीक है जैसे कि दोस्तों आपस क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड पासवर्ड ठीक है आप यहाँ पास आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पहले हम दसवीं में से आप भरना चाहते हैं और नए कैंडिडेट हैं तो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपस आप क्लिक करेंगे ठीक है जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपस ओपन हो जाएगा जैसे कि नया पंजीयन आपको वहाँ आप पस अपना नाम डालना है जो दसवीं की मार्कशीट में है उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और आपको पासवर्ड बनाना है ठीक है आठ से दस अंक के बीच में आपको पासवर्ड बना लेना है उसके बाद उस पासवर्ड को कन्फर्म करना है इसके बाद आपको वहाँ पर जो कैप्चर दिया है उस कैप्चर को फिल करके आपको क्या करना है आपस क्लिक करना है और ओ पर क्लिक करना है जब आपको जो मोबाइल मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर आपको ओ जाएगा जिसको आपको फिल करना है ठीक है ओ टी फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद दोस्तों आपस क्या करना है हम आगे प्रोसेस देखते हैं जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर समिट करने के बाद आपका खाता सफलतापूर्वक जैसे ओ टी वेरीफाई करने के बाद बन गया है कि वह लॉग इन और अपना प्रोफाइल भरे और भुगतान करें ठीक है जैसे कि आपका पूरे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद भुगतान करना है उसके बाद आप यहाँ पास अपना जो भी आई टी आई सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद आएगा ठीक है तो ये हम आप लॉगिंग पर क्लिक कर लेते हैं ओके करते हैं ठीक है जैसे ओके करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को डालना है और जो आपको पासवर्ड बनाया है अभी उस पासवर्ड को फिल करके जो कैप्चर दिया है उस कैप्चर को फिल करके सबमिट करना है ठीक है तो इसको फिल कर लेते हैं दोस्तों so जैसे कि यहाँ पास ओपन हो चुका है आप यहाँ पास लॉग करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा ठीक है इसमें आपको कुछ निर्देश दिया है उसको आपको पढ़ लेना है पढ़ने के बाद आपको वहाँ पास क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे इसमें तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इसके बाद आपको बोर्ड पूछा है ठीक है आपको उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले सेंटर बोर्ड ऑफ एजुकेशन ठीक है इसमें आपको क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा पार्शिंग आप किस सत्र में पास हुए हैं ठीक किस वर्ष पास हुए हैं तो आप जैसे कि आपस फिल करेंगे जैसे कि मैं आपस पास हुआ हूँ ठीक है यहाँ पास आपको ऑप्शन दिख रहा है चौबीस अगर इस सत्र में पास हुए हैं ये आप जैसे कि आप पुराने हैं आप आपस पिछले वर्ष का भरना चाहते हैं दो का पास हुए हैं या जो बाईस में पास आउट हुए हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आपस पास मैं तेईस कर लेता हूँ ठीक है उदाहरण के लिए उसके बाद रोल नंबर डालना है आपको ठीक है रोल नंबर डालना है अपना उसके बाद रोल नंबर डालने के बाद नीचे स्कॉल करना है ठीक है स्कॉल करने के बाद आपको वहाँ पास मार्क्सट बेसेट ठीक इस पर आपको क्लिक करना है ठीक उसके बाद आपका पुराग ठीक है जैसे कि टोटल आपका टोटल पुरांग ठीक आप यहाँ पर आपको कितना मिला है तो यहाँ पर आपको डालना है चार सौ पचपन डाल दिया ठीक ऑटोमेटिक परसेंट ले लेगा ठीक है पचहत्तर पॉइंट तिरासी ठीक ये आपका परसेंट होगा आप यहाँ पास पूछ रहे हैं कि आपके कक्षा दसवीं में ठीक है विमान मतलब भौतिक रसायन विज्ञापन जीव विज्ञान मतलब जो भी आपके होगा ये आपको सिलेक्ट करना है ठीक है आप यहाँ पास क्लिक करना है आप पूछ रहे हैं कि आप आपस अपने दसवीं कक्षा में हिंदी पढ़ा था तो यस करना है ठीक है आप करना है ठीक है आप आपस इसके बाद आपको नीचे स्कोर करना है ठीक है आप नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है आप यहाँ पास आता है अपना पर्सनल डिटेल्स दोस्तों यहाँ पास पर्सनल डिटेल्स यहाँ पास फिल करना है जैसे कि अपना नाम है यहाँ पास ऑटोमेटिक फिल रहेगा जिस टाइम आप भरें फर्स्ट में उसके बाद फादर से नेम ठीक आपका जो पिता का नाम है दसवीं की जो मार्कशीट में है, उसके हिसाब से डालना है माता का नाम डालना है आपको जेंडर सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है ठीक है जो भी कैटेगरी होगा उसके बाद आपको यहाँ पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको बताया हूँ कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि जो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है डिजिटल नंबर ठीक है इसको फिल करना है इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन जो भी आप दसवीं बेस में भर रहे हैं तो दसवीं अगर आप बारहवीं पढ़ चुके हैं और बारहवीं के बेस में उसके बाद भरना चाहते हैं तो बारहवीं बेस के हिसाब से आपको डालना है ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप जैसे एक दसवीं के हिसाब से ही भर आता है ठीक है लेकिन आप यहाँ पस दसवीं के हिसाब से आपका बेस में सिलेक्ट होता है ठीक है तो आपस जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं जिससे मैं ग्रेजुएसन है तो ग्रेजुएशन में डाल सकता हूँ इसके बाद आपको वहाँ पास जैसे कि बिलासपुर यहाँ तो पास बिलासपुर डालूंगा आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आधार जिले का चयन करना है ठीक है इसके बाद आपको वहाँ पास क्लिक करना है आपको अने तो दिव्यांग जो भी होंगे नहीं है तो आपको क्या करना है छोड़ देना है इसको ठीक है आपको कुछ नहीं करना है, है तो आपको सिलेक्ट करना है नहीं तो अन्यथा छोड़ देना है आप यहाँ पास आता है डेट ऑफ बर्थ दसवीं के मार्कशीट के हिसाब से डालना है ठीक है आपको दसवीं के मार्कशीट के हिसाब से डालना है तो आपको सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है जब ई मेल डालने के बाद आपको आप क्या करना है वर्तमान पता आप वर्तमान पता में आपका अपना जो आधार कार्ड में है उसको फिल करना है ठीक है इसके बाद राज्य सिलेक्ट करना है ज़िला सिलेक्ट करना है पिन कोड सिलेक्ट करना है दोस्तों आप सिलेक्ट करने के बाद आपको ये आता है धर्म ठीक है हिंदू जो भी होंगे आपको सिलेक्ट करना है ठीक है इसके बाद आपको आपस अपना ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है ये आपको सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको ये छोड़ देना है ये वाला तीनों कलम आपको छोड़ सकते हैं ज़रूरी नहीं भरना आप आता है फोटो अपलोड ठीक है आप यहाँ पर इस बीस के भी पचास के भी अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर सबको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको मतलब एक साइज बनाना है उसमें फोटो अपलोड करना है और फोटो अपलोड करके आपको नीचे सिग्नेचर करना है मतलब एक सफ़ेद से कागज़ में लेना है और उसमें फोटो चिपकाना है और नीचे आपको सिग्नेचर करना है आप सिग्नेचर करके आपको इसको अपलोड करना होता है ठीक है तो ये आपको अपलोड करना है उसके बाद नीचे स्कॉल करना है इसकोल करने के बाद आपको जो फीस है ठीक है यहाँ पर जो अमाउंट दिखाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपस आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे ठीक है जो कैप्चर दिया है आपको देख सकते हैं उनसठ रुपये आपको पेमेंट करना है जो कैप्चर दिया है उस कैप्चर को फिल करना है आप यहाँ पर सेव करेंगे दोस्तों सेव करते करने के बाद आपको जैसे कि आपको पेमेंट होता है ठीक है पेमेंट करने के बाद दोस्तों सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको आपको आई टी आई सिलेक्ट करना होता है किस किस कोर्स में डालना है आपका क्या क्या कर सकते हैं आप किस फिल्टर में करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिशन में करना चाहते हैं ये आपका इसके बाद आता है पेमेंट होने के बाद आता है ठीक है जब पेमेंट हो जाता है तब इसके बाद आपको जो आई है जहाँ से आप भरना चाहते हैं अपने नज़दीकी आई आई से जहाँ सेंटर है वहाँ पर भरना चाहते हैं ये दोनों ऑप्शन पेमेंट होने के बाद होता है ठीक है तो ये दोस्तों और जैसे कि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों